नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त सरदार पटेल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अपने विचार रखे थे और टेक्नोलॉजी के कारण से जो चीजें बहुत कठिन है उनको बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत उसका लाभ लिया जा सकता है। अभी हमारी चार धाम यात्रा चल रही है और उसमें भी जो है पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, पुलिस उसको बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमारी पुलिस आगे बढ़े, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हमारा संपूर्ण प्रयास रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके द्वारा लगातार पुलिस अच्छी हो, पुलिसिंग अच्छी हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी, हमारे पुलिस के जवान, सभी अधिकारीगण और सभी कार्मिक जैसे पहले से सब प्रयास करते रहे हैं, सब लोग मनोयोग से काम करते रहे हैं, आगे भी आप सब लोग इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि संपूर्ण देश में हमारा राज्य ही ऐसा है जहाँ पर पुलिस को मित्र पुलिस कहा गया है और मित्र पुलिस के नाते सेवा और सुरक्षा के लिए अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और इसके साथ साथ आपदाओं के समय में भी हमारी एसटीआरएफ ने, पुलिस के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के अथक प्रयासों से हम इस जो गौरवशाली सेवा है, इस गौरवशाली सेवा को और अच्छा बनाएंगे और लोगों के लिए आसान बनाएंगे। और जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है, और ये मंत्र केवल मेरा नहीं है, ये मंत्र हम सबका है क्योंकि मैंने उसको आगे किया है, लेकिन इस मंत्र को साक्षात रूप से धरातल पर उतारना, उसको सरल बनाना, उसका समाधान निकालना, मैं समझता हूँ कि हम सबका उत्तरदायित्व और हम सब लोग करेंगे। मैं आज इस अवसर पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य करेगी। अपने इसी विकल्प रहित संकल्प के साथ आप सभी को अपनी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से आज जो भवन हमको मिला है और जिन उद्देश्यों से भवन बना है उसमें कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक ऊर्जा, एक उत्साह और एक उमंग का संचार होगा, जिससे कि हम लोग एक अच्छी पुलिसिंग देकर इस पुलिस के क्षेत्र में भी हमारी पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस पूरे हिंदुस्तान के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करेगी कि किस प्रकार से कम संसाधनों में भी अपने को अत्याधुनिक बनाना और अत्याधुनिक बनाते हुए अच्छे से अच्छी सेवा देने का काम हमारी पुलिस करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हुआ है पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात यहाँ पर कहते नजर आए हैं धामी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पुलिस नजीर बने पूरे देश के लिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरदार पटेल भवन का लोकार्पण कार्यक्रम, चलिए इस बीच बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर एक दारोगा और एक दो कांस्टेबल लाइन हाजिर किए गए हैं। रायवाला थाना क्षेत्र में तैनात थे तीनों पुलिसकर्मी पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप। इन आरोपों की पुष्टि होने पर इन्हें लाइन हाजिर किया गया है। डीआईजी और एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने इनको लाइन हाजिर किया। नीरज त्यागी, अरुण कुमार और अनुराग कुमार लाइन हाजिर है। बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र सिंह रावत, बीजेपी किसान मोर्चा रायवाड़ा थाने की कमान प्रशिक्षु आईपीएस जितेंद्र मेहरा को सौंपी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि नीरज त्यागी, अरुण कुमार, अनुराग कुमार को लाइन हाजिर किया गया। बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने तमाम आरोप लगाए थे। इन आरोपों को संज्ञान लेते हुए नरेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी किसान
इधर देहरादून में यूपीसीएल की बोर्ड की बैठक आज है। ऊर्जा निगम मुख्यालय में ये बोर्ड बैठक होगी। बैठक में आईटी कैडर तैयार करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। अधिशासी निदेशक कमर्शियल के पद पर लेकर बातचीत होनी है। कर्मचारियों के विषयों को भी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। अध्यक्ष राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम वहां मौजूद रहेंगे। यूपीसीएल बोर्ड के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद होंगे। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है। 22 जून में उत्तराखंड में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मॉनसून 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेगा। 21 और 22 जून को प्री मॉनसून हो सकता है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। तो मौसम करवट बदलेगा उत्तराखंड में। मॉनसून 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 21 और 22 जून को प्री मॉनसून की बारिश हो सकती है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर संभावना जाहिर की है। इधर उत्तराखंड में मॉनसून कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में राजधानी देहरादून में आमतौर पर बारिश के चलते जगह जगह नालियां चौक हो जाने से सड़कों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। मॉनसून को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने कहा है कि लगातार इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि जो समस्या बनी रहती है उससे निजात पाई जा सके, जल भराव ना हो उसको तत्काल ठीक किया जाए। साथ ही नदी लानों में मालवा और ड्रेनेज इत्यादि का काम समय से पूरा किया जाए। इधर बेनाक से बड़ी खबर है। न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है गांव चेटा बगड़, जहां सीएम कोशियारी का पैतृक गांव है। चेटा बगड़ बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है। चेटा बगड़ पूर्व सीएम कोशियारी ने पलायन पर चिंता व्यक्त की थी। प्रदेश का हर गांव सड़क से जुड़ रहा है। पीएम मोदी और सीएम धामी ने विकास भी किया था। तो न्यूज इंडिया की टीम पहली बार उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के पैतृक गांव पहुंची थी, चेटा बगड़, जहां पर कहा गया था कि यहां पर जो गांव के रहवासी हैं वह पलायन कर रहे हैं। दरअसल बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर ये चेटा बगड़ है। दरअसल पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के गांव का हालचाल कैसा है जानने के लिए न्यूज इंडिया की टीम चेटा बगड़ पहुंची थी, जहां पूर्व सीएम कोश्यारी ने गांव से हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की। जिन्होंने कहा था, आज प्रदेश का हर गांव सड़क से जुड़ रहा है। गांव का विकास पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बहुत अधिक तेजी से विकसित हो रहा है। गाँव में स्वरोजगार के बहुत अधिक संसाधन है। सब लोगों अंदर, क्योंकि सरकार ने ऐसी योजनाएं दे रखी है, 80% तक जो है, चाहे आप मछली पालन हो, चाहे आपके बागवानी हो, चाहे डेयरी हो, अनेक ऐसी प्रकार की योजनाएं हैं। हमारी सरकार उसके लिए सहायता कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने धन आवंटन किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके लिए और अधिक प्रयत्नशील है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत घूम चुका हूँ और बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे बॉम्बे दिल्ली छोड़ करके अपने घर की ओर आना चाह रहे हैं। यही नहीं, बहुत सारे रिटायर्ड अफसर जो कमिश्नर रहे हैं, जो डीजी आईजी रहे हैं, ऐसे लोग भी अब अपने गांव में रह कर के वहाँ सौर ऊर्जा लगा रहे हैं, वहाँ हाउस होम स्टे बना रहे हैं। तो जब बड़े अच्छे लोग आएंगे तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से हमारे जो सामान्य नागरिक हैं वो भी आएंगे और सोचेंगे कि नहीं, हम अपने खेती के माध्यम से, बागवानी के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से, अपने घर में रह कर के हम अपने घर का पालन पाल पोषण करेंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। विकास ऐसे होते रहो। रोड पहुंच गई, पानी आता है, रोड आई, सब चीज आया जब से हमारी सरकारें हुई, तभी से तो आया। पहले तो यहाँ कोई देखता ही नहीं था। हम ये नदी में उसमें जाते थे तार में ऐसे ऐसे करके, फिर मुँह ऊपर करके यहाँ ऐसे करके तार में वार पार जाते थे। आज जगह जगह पुल बने हैं। ये विकास की बात ही तो है। यहाँ
कितने किलोमीटर दूर ली थी, वहाँ गोगिना से पानी आया है यहाँ इन ऊपर ऊपर पहाड़ों में। ये सब हमारे भाई साहब के ही दीन है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी लक्सर की, जहाँ लक्सर के ढांडेकी गांव में साधु सेवा आश्रम पर श्री 1008 स्वामी खजानदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में हर वर्ष की तरह इस बार भी सत्संग और भव्य मेले का आयोजन होता है। आपको बता दें कि सबसे पहले आश्रम परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने आहुति डालकर क्षेत्र में देश में अमन शांति के लिए मंगल कामना की। इसके बाद क्षेत्र और बाहर से आए लोगों ने सत्संग में शिरकत की है, मेले का लुत्फ उठाया गया। वहीं समाधि के भक्त गुरदीप सिंह ने सभी को आशीर्वाद दिया। ग्राम प्रधान राजपाल सिंह और विजयपाल सिंह ने बताया है कि समाधि पर हर वर्ष बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरियाणा राज्यों से श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। ये भी कहा गया है कि ग्रामीणों के द्वारा समाधि पर जो भी मुरादें मांगी जाती हैं उन्हें बाबा पूरी करते हैं। आयोजन होता है जो करीब 40 वर्ष पहले महाराज जी का शरीर पूरा हो गया था, जो सेवाराम जी वे उनके परिवार ने अपने खेत पर उनकी समाधि बनाई थी। वे एक सिद्ध पुरुष थे। उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष दूसरे राज्यों से बहुत लोग आकर प्रसाद चढ़ाते हैं तथा उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जसवीर सिंह इस पूरी खबर पर बने हुए। जसवीर, देखिए मेला किस तरीके से इस वक्त लगा हुआ है, तस्वीरें हमने देखी हैं, लोगों में कितना उत्साह होता है, इस मेले को लेकर क्या मान्यता रहती है? ये एक परंपरा के अनुसार, वैसे तो भारत वर्ष जो मेलों का देश है, लेकिन तो लक्सर और खानपुर विधानसभा के बॉर्डर पर आता है तो, और सोलानी नदी के पास ये बसा हुआ है। यहाँ करीब 40 साल पहले जो स्वामी खजानदास थे, जिन्होंने इसकी इस पूरी की पूरी जो ये साधु सेवा आश्रम की स्थापना की थी, तो उनका शरीर पूरा हो गया था, वो सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उनके यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर के आते थे, सवाल पूछते थे, वो जवाब देते थे और वो कई प्रकार की भविष्यवाणी भी करते थे। उनके बाद जब उनका शरीर पूरा हो गया तो उनकी समाधि बनाई गई और तब से लगातार ग्रामवासी 3 दिवसीय मेले का आयोजन करते हैं। पहले दिन हवन यज्ञ होता है और छोटा मेला होता है, फिर उसके बाद बड़ा मेला, और ये 3 दिन तक लगातार चलता है। इसमें करीब 6 प्रदेशों से उनके भक्त जो हैं, उनके अनुयायी जो हैं, वो आते हैं और आसपास के ग्रामीण भी इस मेले में शिरकत करते हैं। उससे पहले हवन यज्ञ में भाग लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने पूरे क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की, देश की सुरक्षा और उसके साथ साथ में शांति, अमन, मंगल कामना करते हैं। और उनकी मान्यता ये भी है इस मेले की और खासकर समाधि की, कि जो आम माता टेकता है कि अपनी मुराद जो उनकी होती है, मतलब मानते हैं, तो वो पूरी भी होती है। अभी तक ऐसा होता है। कितने दिन तक का मेला होता है, कितने दिन तक चलता है मेला? जैसे मेला है, वैसे तो इसका जो दूसरा दिन होता है वो पीक का होता है, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जब इसमें दूर जो दूसरे प्रदेशों से अनुयायी आते हैं और वो वहाँ से कहने की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, उसके बाद मेला देख करके लौट जाते हैं। 3 दिवसीय मेला ही होता है। चलिए जसवीर, बने रहिएगा, आप आगे भी आपसे मैं जुड़ूंगी। बढ़ते आगे, लक्सर नगर और देहात क्षेत्र में इन दिनों मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त और पटाखों की आवाज निकालने वाली जो बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं उसकी भरमार है। ऐसी बाइकें लोगों के नाक में दम कर रही है। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस की ओर से ऐसी बाइक चलाने वालों की गिरफ्तारी और बाइकों को सीज किए जाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। लक्सर CO मनोज ठाकुर ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस सामान्य तौर पर कार्रवाई करती रहती है, मगर जिले के SSP अजय सिंह की ओर से जारी किए गए आदेश का अनुपालन करते हुए एक विशेष अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर और मॉडिफाइड बाइकों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं एक सप्ताह के भीतर 2 दर्जन से अधिक ऐसी बुलेट बाइकों को पकड़कर सीज भी किया गया है। जैसे कि MV एक्ट के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, तो अभी SSP साहब के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा एक अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसरों और मॉडिफाइड बाइक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये अक्सर जो हमारा तहसील रोड है उस पे पटाखे फोड़ते हुए बाइक जाने का सूचना मिलती रहती है, तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जसवीर, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जसवीर, देखिए इस तरह की जो बाइकें हैं, जो कि यूं कहें कि जब भी सड़कों पर निकलती हैं, साइलेंसर लगाती हैं या फिर पटाखों जैसी आवाज़ें निकालती हैं, इससे लोग बहुत असहज महसूस करते हैं और यहां तक कि बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। फिलहाल यहां पर बाइकों को इस वक्त यूं कहें कि पुलिस ने अपने अंडर में कर रखा है। कितनी संख्या है और कब से इस बाबत शिकायतें पुलिस के पास पहुँच रही थी? तो ये एक
जगह से मिल रही थी, उस पर कार्रवाई भी लगातार चल रही थी, लेकिन बड़ी तादाद में पिछले करीब एक पखवाड़े के बीच में कार्रवाई की, करीब 25-30 यानी कहा जा सकता है कि 2 दर्जन से अधिक बाइक ऐसी बाइक जो मॉडिफाइड की हुई है, सिलेंडर बदले हुए हैं, यानी जो कंपनी साइलेंसर देती है उसकी आवाज सामान्य और उसके मानकों के अनुरूप होती है जो कहीं ना कहीं व्हीकल एक्ट द्वारा उसमें निर्धारित है। लेकिन जो नव युवा है या फिर जो टपोरी किस्म के लड़के हैं वो अधिकांश देखने में आते हैं कि वो अपनी बाइकों के साइलेंसर बदलवा देते हैं और पटाखे की आवाज निकालते हैं, खतरनाक आवाज निकलती है, कई बार तो ऐसे बुजुर्ग लोग बच्चे स्कूल के महिलाएं वो डर जाती है, जैसे पटाखा लगता सड़क पर तो गिर जाते हैं और कई बार हादसे होते हैं। और इससे एक चीज और पैदा हो रही है कि तेज तेज रफ्तार चलाते हैं, स्टंट करते हैं, कई खुद भी दुर्घटना के शिकार होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी वीडियो वायरल होती है जो पटाखे निकालते हुए या फिर अलग अजीबोगरीब ढंग के स्टंट करते हैं युवक नजर आते हैं। इसकी शिकायतें लगातार बढ़ रही थी, क्षेत्रवासी लोग लगातार शिकायत करते थे, इसे लेकर के SSP अजय सिंह द्वारा ये विशेष अभियान चला गया, जिसमें अभी अकेले लक्सर की बात करें तो 2 दर्जन से ट्रेन सीज कर दी गई है और लगातार हर क्षेत्र में संपर्क मार्ग पर। जसवीर, ऐसी बाइकों को तो पकड़ना ही चाहिए, युवकों को यहाँ पर समझाइश देनी चाहिए, लेकिन ऐसे दुकानदारों को भी उन पे भी यूं कह सकते हैं कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की बाइकों को मॉडिफाई करते हैं। आगे भी आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर। इधर बीते कई महीनों से प्रदेश में चल रहे लंपी वायरस के मामलों में अब कमी दर्ज हुई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि शुरुआती दिनों में लंपी वायरस के मामलों में जिस तरह से तेजी देखी गई थी उसमें अब कमी नजर आ रही है। इधर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि प्रदेश से लंपी वायरस के खतरे को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके ताकि किसी भी प्रकार की पशुहानि ना हो। अठारह हजार जानवरों का हम टीकाकरण कर चुके हैं और जो हमारा बॉर्डर है नेपाल का उसमें जो चंपावतपुर केसेस शहर में आ रहे थे बहुत ज़्यादा, जो अब लगभग इसका बिल्कुल दो चार करके केस आ रहे हैं और नेपाल के परसों आए भी नहीं है केस। इसी तरह से पिथौरागढ़ में भी केस आने बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा समय ले रही है ठीक होने में, इसलिए अभी बीमार पशु तो हैं हमारे पास लगभग 3,600 के आसपास हमारे पास पशु है। उसके अलावा देखा जाए तो बीमारी काफ़ी सस्ता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी जनपदों के साथ साथ हरिद्वार जनपद में भी ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार सिडकुल पुलिस ने चेकिंग के दौरान सिडकुल बहादुराबाद फोरलेन स्थित एक खोखा संचालक युवक को भारी मात्रा में अवैध गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पुलिस ने कुछ नकदी भी बरामद की है। आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, मेडिकल जाँच के बाद जेल भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2020, उसी के तहत हमारे द्वारा समय समय पर जनसभाएं भी आयोजित की जाती रहती है एवं प्रिवेंटिव के तहत अभियोग पंजीकृत करने में भी कार्रवाई की जाती रहती है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक सफलता हासिल की गई सिरपुर क्षेत्र में, राजा बिस्कुट चौक के पास एक खोखा था जिस पर अवैध रूप से ये गांजा वगैरह बेचा जा रहा था। इसकी समय समय पर हमें इनपुट प्राप्त हो रहे थे, सूचना पर हमारे द्वारा साझे में टीम तैनात की गई एवं इनपुट प्राप्त होने पर उस पर दबिश दी गई एवं वहाँ पर सफलता हासिल। देखिए अवैध गांजे की तस्करी के खिलाफ किस तरीके से यहां पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार सीएम भी इसमें अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। नकेल कसने की बात की गई है तो NDPS एक्ट के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। ड्रग्स फ्री हो देवभूमि इस अभियान को चलाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ड्रग्स फ्री होनी चाहिए देवभूमि, इसको लेकर सीएम की ओर से भी कई प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ तमाम जो डीएम हैं जनपद के उनको भी यहां पर निर्देशित किया गया है। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए पूरे उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने की मुहिम में इस वक्त सरकार जुटी हुई है। इसी बीच देखा गया है कि हरिद्वार से बड़े पैमाने पर यहां पर बरामद किया गया है एक नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, किस तरीके से नकेल कसी जा रही है जरा जानकारी दीजिए। दीपिका, लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी जनपदों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, इसके लिए पुलिस अधिकारी लगातार ही छापेमारी कर रहे हैं। और ताजा मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से है जहां
लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर नशे की तस्करी हो रही है, यहाँ पर गांजा बिक रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा और वहाँ पर भारी मात्रा में गांजे की बरामद किया। यानी कहा जा सकता है जो तस्कर था वो पुलिस की गिरफ्त में है और आगे भी सिडकुल थाना ही नहीं जो तमाम अन्य थाना क्षेत्र है वहाँ पर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जो नशे का सेवन करता है बेचता है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तमाम जो लोग हैं उन्हें जागरूक किया जा रहा है ताकि नशे से बचे और नशा बेचने वालों की सूचना दे और ताकि पुलिस उन पर कार्रवाई कर सके। दीपिका, चलिए बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।